चाहिए, तो आप फ्लोर में यूज़ कर सकते हो, सीलिंग में यूज़ कर सकते हो, वॉल्स में यूज़ कर सकते हो। कि वॉल में कैविटी क्रिएट होती है, इंसुलेशन होता है, उसकी वजह से दीवार आपकी ठंडी रहती है। आप हर एक के टेक्सचर कलर देखोगे तो हर एक के अलग अलग मिलेंगे आपको। अच्छा। उसके ऊपर सीधा आपको पेस्ट करना है। अच्छा। तो फुल पूरा ब्रिक का लुक आ जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू एसटेक 2022 जो शुरू हो चुका है प्रगति मैदान में, और ये 8 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चलने वाला है, जहां पर काफ़ी सारी कंपनियों ने स्टॉल लगाया हुआ है। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो ये इस तरह के ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये काफ़ी जो कन्वेंशनल ब्रिक्स है उससे काफ़ी अलग होने वाला है। आज इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह के बिजनेस में आप आना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना? जी, माई सेल्फ रौनक प्रजापति एंड वी आर द ब्रिक स्टोर। और हमारे बहुत सारे शोरूम्स पैन इंडिया अवेलेबल है, जैसे आप वहाँ पे देख सकते हो कि गोधरा है, वडोदरा है, अहमदाबाद, नासिक, पुणे, बहुत जगह पे हमारे शोरूम्स भी है। अच्छा। और कंपनी के बारे में बताएंगे सर? सो हम लोग मेन एक्सपोज ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है। हमारे पास ऑलमोस्ट 250 टाइप की ब्रिक्स है जो इंडिया में भी यूज़ होती है और बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी होता है। और जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो 100% क्ले प्रोडक्ट्स है। ऐसे बेसिक देखेगी कन्वेंशनल ईट से और इसमें कितना डिफरेंस आ जाता है? ओके, कन्वेंशनल ब्रिक जो है वो आपको प्लास्टर करना है उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। और ये जितनी भी प्रोडक्ट है आप डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, जिसको आपको पेंट नहीं करना, प्लास्टर नहीं करना, एक्सपोज यूज़ में आपको ये ब्रिक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी आपने प्रोडक्ट शोकेस किए हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। जी बिल्कुल, तो जैसे आप देखोगे तो ये जितने भी रस्टिक प्रोडक्ट्स दिख रही है आपको, ये पूरी हैंडमेड प्रोसेस से बनती है। हैंडमेड से? हैंडमेड, हाँ। ये एक एक ब्रिक को हाथ से बनाया जाता है। इसका जो कलर वेरिएशन है, इसका जो टेक्स्चर है, वो सिर्फ हैंडमेड प्रोसेस से ही आता है। तो बहुत सारे जितने भी आपको अलग अलग कलर्स भी दिख रहे हैं ब्रिक में, वो पूरे क्ले के नेचुरल कलर्स है। एक भी प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल पिगमेंट डाल के बनाया नहीं गया है, तो उसकी वजह से 100% फायर्ड प्रोडक्ट है। उसकी वजह से इसकी लाइफ जो है 80-100 ईयर तक की होती है। 100 साल तक? जी बिल्कुल। अच्छा। जस्ट फिक्स एंड फॉरगेट, वी कॉल इट परमानेंट फसाड मटेरियल। यस। सो बाकी के भी ये जैसे वेदर्ड प्रोडक्ट है, ब्रिक जितनी पुरानी होती है उतनी सुंदर लगती है। तो रेड बेसिक कलर होता है, वो 20-25-30 साल बाद उसका ऐसा लुक आता है, तो वो टाइप का लुक हमने दिया हुआ है। फिर ये जैसे पुरानी ब्रिक्स होती है जो दीवार में से डाल के निकाल के हम लगाते हैं, वो टाइप की ब्रिक है ये। अच्छा। रिक्लेम ब्रिक बोलते हैं हम उसे। ये भी एक पूरा ओल्ड है, विंटेज लुक वाला ब्रिक है। अच्छा। यहाँ पर आपने हर एक में साइज दे रखा है कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट क्या होगी? बिल्कुल, इसमें हर एक प्रोडक्ट की साइज मेंशन है, उसका स्पेसिफिकेशन, कवरेज, और इसकी ये स्कैन करने से पूरी प्रोडक्ट की प्रोजेक्ट फोटोज और पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अच्छा। ये पूरा एक विंटेज लुक है और ज़्यादातर हमारा यूके में बहुत चलता है ये प्रोडक्ट। अच्छा, ये विंटेज लुक देने वाला है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। उस हिसाब से ये पूरे विंटेज लुक है। ये जितनी भी आप देख रहे हो सब हैंडमेड प्रोडक्ट है। अच्छा। ये पूरी रेंज जो है पूरी हैंडमेड की रेंज है। जैसे अगर ऐसे स्टैंडर्ड साइज आपके पास क्या रहते हैं? ऐसे स्टैंडर्ड साइज 228 लेंथ होती है, 68 mm हाइट होती है और 103 विड्थ होती है। हमारे पास दो टाइप के ब्रिक्स है, फुल ब्रिक भी है जिसको आपको स्ट्रक्चर बनाना है, पूरा इन एंड आउट लुक देना है ब्रिक का, तो उसमें फुल ब्रिक यूज होती है। और सिंगल साइड आपको फसाड में यूज करना है तो उसके लिए 20 mm थिन ब्रिक होती है, तो वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे आपको सीधा टाइल्स के जैसे पेस्ट कर देना है, तो वो पूरा ब्रिक लुक में कन्वर्ट हो जाएगा। सर, किस तरह के बजट में आते हैं? तो बजट में ऐसा है कि ये 250 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 1200 रुपये स्क्वायर फीट तक की हमारे पास रेंज अवेलेबल है, जो वॉल के लिए है, फ्लोर के लिए है, सीलिंग के लिए है। तो ये जैसे है, ये हमारी फुल ब्रिक है, ठीक है, ये सब फुल ब्रिक है। और ये एक वायर कट प्रोडक्ट है, मशीन मेड इंसुलेटेड ब्रिक बोलते हैं इसको, हॉलो ब्रिक। तो ये इसकी दीवार बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि वॉल में कैविटी क्रिएट होती है, इंसुलेशन होता है, उसकी वजह से दीवार आपकी ठंडी रहती है। अच्छा। तो ये पर्पज़ होता है। आप इसको टच करके भी देखोगे तो ठंडा है प्रोडक्ट एकदम। तो ये इससे आप कन्वेंशनल आप बना सकते हैं? हाँ, इससे आप वॉल बनानी है तो फुल ब्रिक का यूज़ करके आप वॉल बना सकते हो। ये पूरी अलग अलग साइज़ है यहाँ पे,
ठीक है। फिर ये सब क्लैडिंग ब्रिक है जो मैं आपको थिन ब्रिक बता रहा था 20 mm वाली, तो ये आपका जो पूरा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सीधा आपको पेस्ट करना है। अच्छा। तो फुल पूरा ब्रिक का लुक आ जाएगा। इसकी भी इक्विवेलेंट लाइफ है जो फुल ब्रिक की है, वो भी इसकी सेम है। अच्छा, इसमें अलग अलग साइजेस भी आते हैं यहाँ पर, देखिए ये काफ़ी जी ये कोलंबिया साइज है। अच्छा। ये रोमन साइज है, वो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज है, तो बहुत सारी साइजेस भी अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा। आप हर एक के टेक्सचर कलर देखोगे तो हर एक के अलग अलग मिलेंगे आपको। अच्छा। हैंडमेड की ब्यूटी यही है कि आप पूरा 10,000 ब्रिक यूज़ करोगे, 10,000 ब्रिक पूरी एक जैसी नहीं होगी, सब अलग अलग टेक्सचर। अच्छा। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, द वेरिएशन। ये तो किस बजट में आएंगे सर? ये जो फुल ब्रिक का रेंज है वो स्टार्ट होता है 40 रुपये पर पीस से लेके 300 रुपये पर पीस तक है। जैसे अगर बिजनेस देखे, एज ए बिजनेस अगर बात करें, बिजनेस किस तरह से करते हैं आप? से बिजनेस हमारा अभी तो स्टोर के थ्रू होता है हमारे। मैंने जैसे बताया आपको, बहुत सारी सिटीज़ में हमारे स्टोर्स है, तो क्लाइंट और आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर वो हमारे स्टोर्स पे आते हैं और वहाँ पे आके प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे उनको गाइडेंस दिया जाता है कि हर एक प्रोडक्ट कैसी है, कैसे लगाई जाती है, और उस हिसाब से वो सिलेक्ट करके फिर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर गुजरात में हमारा गोधरा में हमारा फैक्ट्री है, वहाँ से फिर डिलीवर होता है पैन इंडिया। अच्छा, जो एज ए कस्टमर अगर लेना चाहे तो वहाँ से डिलीवर हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, हर एक अलग अलग सिटीज़ में जिसकी जैसे दिल्ली में रिक्वायरमेंट है तो हमारे दिल्ली स्टोर में जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करके वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अच्छा। जी हमारा ऑनलाइन भी हमारा पोर्टल है, वहाँ से भी कर सकता है thebrickstore.in से। अच्छा, और कैसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत है आपके इन प्रोडक्ट्स की तो? ओके, सो हमारा फेसबुक पे भी पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, हमारा ऑल इंडिया कस्टमर केयर नंबर भी है और हमारी वेबसाइट है thebrickstore.in। उस पे जाएंगे तो आपको पूरा प्रोडक्ट डिटेल और कैसे ऑर्डर करना है, कहाँ पे डिलीवर करवाना है, वो सब डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। अभी सर कार्ड शो कर सकते हैं? ये जैसे हमारा कार्ड है, हमारे नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, हर एक जगह के अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, तो आपको जो रीजन से रिक्वायरमेंट है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये नंबर पे। एंड सर एट लास्ट में आप अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? बस यही कि ये एक साइकिल है। Yes. जो पहले नेचुरल मटेरियल यूज़ होता था, सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ होता था, वही घूम के अब फिर से वापस आया है और ये ट्रेंड अभी इन है, ब्रिक का ट्रेंड। आप कहाँ पे भी जाओगे तो आपको ब्रिक दिखेगा, इंटीरियर हो एक्सटीरियर हो, कोई एक वॉल आपको ब्रिक का दिख जाएगा। तो हमारा बस यही है कि नेचुरल मटेरियल के साथ जितना आप काम करोगे, जितना सस्टेनेबल मटेरियल के साथ काम करोगे, उतना लॉन्ग लाइफ चलेगा। चलिए सर, थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।